So hey guys, welcome back to our YouTube channel. I am Gloria. I am Numan. तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है इंडियन यूट्यूबर्स पर. तो यार इस वीडियो पर हमने काफी भी पहले मतलब काफी पार्ट्स बनाए हुए हैं यार. तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की वीडियोस होती है इनकी. तो काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं इसको और पार्ट्स लेकर आओ. तो फाइनली वीडियो लेकर आ चुके हैं, तो बगैर देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं. एक मिनट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए. एक बंदे ने बोला तेरा जो एफडी है तेरे एफडी से ज्यादा उसका सीजीपी है. तो मैंने उसको बोला कि तेरे मोबाइल नंबर से ज्यादा मेरा बैलेंस है. या यार एल्विश मेरा भाई है, अपने कम्युनिटी का बंदा है और वो जीत के लिए ट्रॉफी सिस्टम हैंग कर दिया है. तो बहुत सारे प्यार और बहुत तरक्की करे वो. सुनने में अभी आलिया भट्ट ने भी रिप्लाई करा सारे, इसके लिए जेलस हूं मैं. एल्विश भाई ने ना मुझे चैलेंज करा गाइस ड्रैग रेस के लिए, उनकी पोर्श और मेरी मस्टैंग जीटी के लिए. तो आपका चैलेंज इज फुल्ली एक्सेप्टेड. बाबू भाई आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं. पता है भुवन बम के कोई हेटर्स क्यों नहीं है? बंदा वीडियो साल में एक बार डालते हैं, हेटर्स भी भूल जाते रहेंगे इसको. अभी बता दे भाई, अभी बता दे. जानते हो मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ? YouTube पे नाम मालूम है? थगेश, थगेश अनफिल्टर्ड दो चैनल है. बिल्कुल, थगेश अनफिल्टर्ड मेरा फेवरेट है. काय को? क्योंकि उसमें तुम्हें पता है ना कि तुम लो एफर्ट कंटेंट बनाते हो. नाम के बारे में थोड़ा पूछना था, जैसे स्काउट भाई का नाम स्काउट है, कैसे पड़ा? यार मतलब काउंटर स्ट्राइक पता है? हाँ हाँ. काउंटर स्ट्राइक में गन थी स्काउट करके. हाँ हाँ. तो मैं वो बहुत अच्छे चलाता था. अच्छा. उस टाइम से स्काउट रख लिया था ना. हाँ. तब से बस चलते गया नाम. इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा नाम अखिया होना चाहिए. क्यों वैसे? अखियों से गोली बहुत मारता हूँ ना मैं. चलो सात एपिसोड में पहली बार पीए मारा है, वो कर रहे हो. फिर क्या, अविनाश करके एक जो बंदा है उसने जैद को बोला कि फुकरा स्नो बड़ी मेरे आगे. सर सब सड़क तो निकलो, उसके 100 लोग मिलने आएंगे ना तो 99 लोग हमसे फोटो खिंचवाएंगे और एक जो आदमी तुमसे मिलेगा ना वो रास्ता पूछ रहा होगा. काफी कुछ बोला, कुछ गालियां वालियां भी थी और फिर बाद में ऐसा भी था कि अबे ये सब काम क्या कर रहा है, वीडियो वीडियो क्या बना रहे हैं, जाके प्लेसमेंट पे ध्यान दे, कोई अच्छी कंपनी में जॉब ले, ये वो ऐसा. तो मैं इंटेल का ब्रांड एम्बेसडर बन गया. तो एक दिन उस बंदे का मेरे को प्राइवेट मैसेज आता है, भाई यार ये इंटेल 13th जेन पे डिस्काउंट दिलवा देगा. ये बात यार, ये टाइम टाइम की बात भाई. जो पहले जो लोग चिंतर में आगे बोले हमारी जिंदगी यहाँ तो मैं खराब करूंगा, बाहर मेरा भाई खराब कर रहा होगा. मैं तो शायद कम ही खराब करूं क्योंकि मेरी जुबान पे तिल है. वो इतने प्यार से करेगा कि तुम्हें जिंदगी भर याद रखोगे. अच्छा, ये कोई शक नहीं, करी चेक
बाकी यूट्यूबर्स ने भी करा बट ट्रिगर वो तो भाई है ना भाई। गेमिंग का मैं सचिन तेंदुलकर मानता हूं गाइस सेम एलिश की तरह भी स्काउट भाई बाय द वे पबजी अनबैन हुआ काफी अच्छा हुआ मैं वही सोच रहा था अगर अनबैन नहीं होता तो आपको घर का ब्लॉग वापस डालना पड़ता तो वो भी चल जाता शो भाई, का वो भी चल कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या भाई शो का कॉन्सेप्ट है चलो कुछ ऐसा टास्क कर दो सारे जो दोस्त है ना ये भी लड़ पड़े तो बीच में देख ले कुछ ना कुछ 100% ये एलविश और फुकरा भाई की कुछ ना कुछ ऐसा टास्क आएगा देखना तुम पर वो तो भाईचारा इतना कैड़ा है ये समझ जाना एंजेलो डेविल वाले आया था उसमें फेल हो गए ना लड़वा पाए देख लिया सिस्टम है सही बात है मेकर्स ने बहुत कोशिश करी कि आपस में लड़ाई कराई जाए कुछ भी मतलब पर ऐसा नहीं हुआ बिकॉज़ ऑफ भाईचारा ऐसे यार बाकी वीडियोस की बात करें बहुत खतरनाक वीडियोस थी यार सही बात है तो यार इन सभी यूट्यूबर्स का एटीट्यूड तो नेक्स्ट लेवल गया यार और आजकल तो यार मतलब यूट्यूबर्स का ही एटीट्यूड चल रहा है सही बात है ऑन टॉप चल रहे हैं हर यूट्यूबर इंस्टा पे यूट्यूब पे हर जगह पे यूट्यूबर्स ही चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यार अपनी कम्युनिटी को देख रहे हैं टॉप पर जा रही है आपको भी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहे तो यार ज्यादा सपोर्ट करो तो मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए टेक केयर।